आधा आधा मिली? मैंने पूरा कबीला छान मारा, आधा कहीं नहीं दिखी। अम्मी, आधा आधा कहाँ चली गई थी बेटा? हाँ तो ठीक है ना। आधा तुम्हारे साथ कैसे? तुम तो शैतानी जिस्म की तलाश में गए थे। वो नया नया हूं, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, तो मैं आधा को अपने साथ ले गया था ताकि वो मुझे रास्ते बता सके। हम तो तुम्हें फरिश्ता समझते थे, पर तुम तो हमारी बेटी की जान को जोखिम में डालने पर तुले हुए हो। खुदा न खास्ता अगर ये तो कुछ हो जाता तो। नहीं अब्बू, अली बाबा बहुत बहादुर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। छोट, ये छोट कैसे लगी आपको? आप बैठिए, हम आपके लिए मरहम लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ, बैठो। चलिए जी, गर्म पानी दिखाइए हमें। मेरी इतनी फिक्र, ये बात तो मेरे दिल को छू गई। हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी फिक्र हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। करिए आपको जो करना है। आप आ गए, लाए हम ज़ैन को। कहाँ है ज़ैन? ज़ैन कहाँ है? ज़ैन, माफ करना, मैं इस बार ज़ैन को लाने में कामयाब नहीं हो पाया, पर मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे ज़ैन को वापस लेकर आऊंगा। मत कीजिए ऐसा कोई वादा जो पूरा ना कर पाए। झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। ज़ैन जा चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा, यही सच है। और ज़ैन के बिना ज़ारा भी जिंदा नहीं रहेगी। ज़ारा, 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 क्या कर रही हो ज़ारा? अब मैं ही ज़ैन को बचा के लाऊंगी। ये कोई सही तरीका नहीं है, ऐसा करने से तुम खुद अपनी जान जोखिम में डालोगी। तो क्या करूं मैं? आप मेरी आखिरी उम्मीद थे, आप भी ज़ैन के बिना लौट आए, तो मैं किस उम्मीद के सहारे जीऊंगी? किस उम्मीद के सहारे जीऊं? मैं बताऊं मुझे। संभाल संभाल। तो सांप की कैचली लगी। अपा, ऐसी कैचल वहाँ पे और भी है। मतलब वो सांप वाली औरत भी यहीं नहीं होगी। चलो आधा, इसकी खाल तो एकदम सांप जैसी है। चलो लपाती जीप थी, दो पैरों वाली सांप थी वो। ये औरत तो एकदम वैसी है जैसे उस शराबी ने बताया था, मतलब इसी के पास तलिस्मान है। भाईजान, आज आपको मेरी वजह से डांट खानी पड़ी ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। फिलहाल तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ ये खिचड़ी है, और वो भी तुमने ही मुझे दी है, तो मैं माफी कहाँ से दूँ? ज़ैन भाईजान भी ऐसे ही थे, वो हमें हमेशा हंसाते रहते थे। उनको वापस लाने के लिए तो मैंने आपका पीछा किया था। तो अली ने आधा को बचाने के लिए ये झूठ कहा था। आधा, तुम्हारे भाईजान को वापस मैं लेकर आऊंगा, ये भाई का अपनी बहन से वादा है। पर कैसे? वो शैतानी जिसमें की खींची हुई लकीर के आगे तो कोई भी नहीं जा सकता। हाँ हाँ, हमें भी जानना है, ताकि आप फिर से चोट लगवा कर वापस ना आए। मेरी इतनी परवाह, फावा। सिर्फ इंसानियत के नाते अब कोई मौत के मुंह में जा रहा हो, फिक्र तो होगी ही ना। फिक्र तो उस शैतानी जिस्म को करनी चाहिए, क्योंकि अब अली पूरी तैयारी से उसके पीछे आ रहा है। कैसी तैयारी भाईजान? आज मैं उस लकीर के पार नहीं जा पाया, इसका मतलब साफ है कि शैतानी जिस्म ही अपने साथ दूल्हे को उस लकीर के पार ले जा सकता है। अब अगर यही एक रास्ता है तो अब मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। मतलब कि इस कबीले में एक और निकाह होगा, एक और आदमी दूल्हा बनेगा। एक और निकाह? आपका दिमाग तो ठीक है ना, कौन जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालेगा? मैं। आप कर रहे हैं निकाह? शायद आप भूल रहे हैं, निकाह अकेले नहीं किया जाता। दुल्हन कौन है आपकी? है एक। कौन है वो जिससे आप में दिलचस्पी? कौन है ऐसी जिसको मुझसे निकाह करने में दिलचस्पी नहीं है? मेरे जैसा खूबसूरत, जवान और बहादुर लड़के से निकाह करने में किसे दिलचस्पी नहीं होगी? क्यों अदा? हीरा कभी खुद से नहीं बोलता कि वो लाख दिनार का है। सच सच बताइए कि कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे आपसे निकाह करना पड़ रहा है? मेरे ख्वाबों की मलिका। उससे मिलने की बेताबी तुम्हारी आंखों में बिल्कुल साफ दिख रही है। मिलना चाहोगी? कोई है, कोई है, हमें निकालो यहाँ से, हमें निकालो यहाँ से। कोई है, कोई है, निकालो, निकालो, निकालो। नहीं, हमें छोड़, हमें छोड़, हमें जाने दो। ये है मेरे होने वाली बेगम। दिलकश, हसीन, हुस्न की परी, मैं जानता हूं मर्जीना, तुम कबूल नहीं करोगे, पर तुम्हारा दिल भी मेरे दिल की तरफ खिंचा चला आ रहा है। बिल्कुल बेशर्म है आप। बड़े बुजुर्गों ने कहा है इश्क में जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आदा अब चलिए यहाँ से, ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे और आप कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। अरे असली निकाह करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं मर्जीना, झूठा निकाह करना है और झूठा ही सही मेरा ख्वाब तो पूरा हो जाएगा और आदा के भाईजान भी मिल जाएंगे। मर्जीना और कोई तरकीब है तुम्हारे पास? स्पेन में कैसे घुस गई? अलीफी, अलीफी, भूत, 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 भूत। होया? भूत नहीं, अलीफी और हैदा है। अलीफी, तुम दोनों को सांप वाली औरत मिली? हाँ, और वो उस पेड़ के अंदर गई है। अलीफी, मैं जानता हूँ कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन तुम कुछ भी मत बोलो। लेकिन कोई औरत इस पेड़ में कैसे जा सकती है? उसमें तो मैं भी नहीं जा सकता। पोया, उस पेड़ के पास मत जाओ। अलीफी, मुझे कुछ नहीं होगा। कि कोई आवाज नहीं आ रही अंदर से, हमें अंदर जाना होगा। नहीं अलीफी, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, वहाँ खतरा भी तो हो सकता है। नफी, पोया अंदर है, ऊपर से वो सांप वाली औरत भी वही है जिसके पास तलिस्मान है, हमें उसे तलिस्मान हासिल करना होगा। तो चुप, तुम लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी, कितने भारी हो तुम लोग। तुमने मना किया था ना पेड़ के पास जाने से, क्यों गए तुम? तभी तो सुन लिया करो मेरी, न जाने कहाँ फंसा दिया है ये। आपा, वो देखिए। लगता है ये इंसानी सांपों की दुनिया है। हाँ, वो सांप वाली औरत भी यही मिलेगी हमें। हाँ, लेकिन हमें ये काम बहुत चालाकी से करना होगा, क्योंकि अगर इन इंसानी सांपों ने हमें देख लिया तो ये हमें डस लेंगे और फिर हम लोग को वो मार डालेंगे। इस पूरी जगह को मशालों से जगमगा दो, चारों तरफ रोशनी रोशनी होनी चाहिए। शैतानी जिस्म को पता चलना चाहिए कि आज कबीले में किसी का निकाह हो रहा है। जाओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम अली, अपने बेटे को बचाने के खातिर दूसरे के बेटे की जान को खतरे में डालना हमें मुनासिब नहीं लगता। जान मेरी जोखिम में नहीं है, बल्कि उस शैतानी जिस्म की है। मैंने ठान लिया है कि मैं आपके बेटे को वापस जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अली, इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता है बेटा, जितना तुम हम परायों के लिए कर रहे हो। अरे निदा और आदा ने मुझे अपना भाई बुलाया है, तो इस नाते से तो मैं आपका बेटा हुआ ना। और बेटे कभी पराए नहीं होते। इसलिए आप लोग धूमधाम से इस निकाह की तैयारियां कीजिए कि निकाह भले ही नकली हो पर उस शैतानी जिस्म से सामना असल में होगा। मौसम में ऐसा बदलाव शैतानी जिस्म की वजह से आता है। लगता है वो यहीं कहीं नजदीक ही है। आने दो उसे, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं दूल्हा बनने के लिए। बेटे कभी पराए नहीं होते। आप लोग धूमधाम से इस निकाह की तैयारियां कीजिए कि निकाह भले ही नकली हो पर उस शैतानी जिस्म से सामना असल में होगा। आने दो उसे, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं दूल्हा बनने के लिए। कितनी सज रही है ना अली भाईजान के नाम की मेहंदी। ये कैसा लग रहा है मर्जीना, क्या सोच रही हो? हम बस यही सोच रहे हैं कि अली को अपने जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्हें तो बस उस शैतानी जिस्म को बुलाना है। और उनके आ जाने के बाद वो उनसे कैसे लड़ेंगे, उनका खात्मा कैसे करेंगे? हम तो बस यही सोच रहे हैं कि इसकी कोई तरकीब है भी कि नहीं उनके पास। अली से बहुत प्यार करती हो ना तुम? प्यार हर अली से। हम तो ये बस इंसानियत के नाते कर रहे हैं, वरना तो हम उनसे बहुत नाराज हैं। किस बात से नाराज है आप अली भाईजान से? अली भाईजान से ही तो पीछा छुड़ाकर हम मशाल जलाए थे, तभी तो शैतानी जिस्म तुम्हारे भाईजान को उठा ले गई। हर मुसीबत की जड़ अली है। आप ही बताइए, भला मुसीबत से आपको मोहब्बत हो सकती है? शुरू शुरू में प्यार मुसीबत ही लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उस मुसीबत से प्यारा कुछ नहीं रह जाता। पर हम प्यार व्यार नहीं करते अली से। कई बार हमें भी मालूम नहीं चलता हमारे दिल में क्या है, पर वक्त आने पर जज्बात समझ आ जाते हैं। तुम्हें भी आएंगे। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, अली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये कितना जचेगा ना आप पर। शुरू शुरू में प्यार मुसीबत ही लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उस मुसीबत से प्यारा कुछ नहीं रह जाता। अली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, हम खुद से कर लेंगे। मुझसे कैसी झिझक? मैं तो तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। अगर आप ऐसी बेशर्मी दिखाएंगे ना तो हम आपसे नकली वाला निकाह भी नहीं करेंगे। तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस इतना कह रहा था कि यहाँ पर सभी लोग निकाह की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो तुम्हारी मदद करने के लिए सिर्फ यहाँ मैं ही मौजूद हूँ। तो अगर तुम मुझे इजाजत दो तो ये अली की खूबी है या हमारी कमी, कभी तो ये अनजान से मालूम पड़ते हैं और कभी बिल्कुल अपने। कहीं इनसे हमारा कोई पुराना नाता तो नहीं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.